हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है यहाँ पर निकल कर आई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएड इंट्रेंस एग्जाम का हो चुका है और आप सभी लोगों को जो है रिजल्ट का जो है बेसब्री से इंतजार है। आप सभी लोगों को बता दें कि आज की न्यूज पेपर में रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बीएड एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज काउंसलिंग से लेकर के आपके एडमिशन तक की सारी प्रोसेस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। स्कॉलरशिप कैसे भरना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे है, हर एक चीज के बारे में आपको यहां पर अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप लोग दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कि 29 जून को जारी हो सकता है बीएड का परीक्षा परिणाम। कॉपियों की स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है और उपस्थिति का जो है यहां पर मिलान चल रहा है। आप लोगों को यहां पर बता दें, जो अपडेट है यहां लिखा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 29 जून को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। कॉपियों की स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब छात्रों की उपस्थिति का मिलान चल रहा है। शासन ने इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को सौंपी थी। तो ये सब तो फालतू चीजें हैं, ये सब हम लोगों को जानकारी नहीं रखनी है। मेन चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो रिजल्ट को लेकर अपडेट है वो यही है कि 29 जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है। यहां पर विनय कुमार सिंह जो कि कुल सचिव हैं बीयू के, इन्होंने भी अपडेट दिया है कि शासन ने 30 जून तक परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। रिजल्ट जारी करने की तैयारियां तेजी से चल रही है, 29 जून को भी रिजल्ट जो है यहां पर घोषित किया जा सकता है, ये चीज यहां पर जो है बताया गया है। फिलहाल इसके बाद जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग आप लोगों की 7 जुलाई के आसपास आप लोगों की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग को लेकर के जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कहोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लगेंगे, साथ ही साथ आपको ऑफिशियल आंसर शीट जो है वो 29 जून के पहले आ जाएगी, यानी मान के चलिए कि 27 जून के आसपास आप लोगों को ऑफिशियल आंसर शीट भी देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें प्रोसेस होती हैं और हर एक चीज आपको सही से आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। तो इस चैनल को आप तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।